change. I just love the feeling, no. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Hi guys, welcome or welcome back to my channel #FashionBeast. अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं हूं आयुषी एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑफिशियल फैशन बीस्ट। सो मैं आज आपके लेके आई हूं मीशो से फुटवेयर हॉल। एक्चुअली क्या था ना, मैं मीशो पे देख रही थी तो मुझे फुटवेयर बहुत ज्यादा अच्छे एंड ट्रेंडी दिख रहे थे, तो मैं सोचा ऑर्डर करके देखते हैं कैसे आते हैं, कैसी क्वालिटी है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बट इन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, एक प्यार सा कमेंट करिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करिएगा। बट इन सबसे पहले, आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते अपने रिव्यू की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी आर हैविंग दिस फुटवेयर। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा सा लग रहा है। ये फुटवेयर भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है एंड आप सामने से देख सकते हैं इसमें कुछ इस टाइप का नॉट वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा। स्क्वायर वाले शेप में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुशन भी दे रखा है तो ज्यादा देर आप अगर पहनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ब्लॉक हील मिल जाएगी। ब्लॉक हील जो है इसकी 1.5 इंच हाइट इसकी होगी एंड कुछ इस टाइप से आपको सोल मिल जाएगा इसका देखने को। साइज मैंने 36 इसका परचेज किया है तो कुछ इस टाइप में ये मिलने वाली है आपको एंड इसकी जो प्राइस है वो है 429 रुपीज। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down. We are having this footwear. ये आप देख सकते हैं light sky blue color में आपको देखने को मिल जाएगी एंड बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे, कितने ज्यादा pretty लग रहे हैं आप देख सकते हैं। सामने से आपको ये आपको स्क्वायर वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा तो अगेन आपका ट्रेंडी भी बहुत है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ट्रांसपेरेंट वाला देखने को मिलने वाला है एंड ये भी आपका लाइट ब्लू कलर में ही दे रखा है तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इस टाइप के आपके ट्रांसपेरेंट वाले फुटवेयर्स, क्योंकि हर आउटफिट पे अच्छे से जाते हैं। एंड नीचे आप देख सकते हैं हील्स आपकी कितनी ज्यादा प्यारी दे रखी है। लाइक आपको कुछ इस टाइप से ट्रेपेजियम वाले फॉर्म में नीचे आपको हील्स मिल जाएंगी। इस टाइप की हील्स मैंने ज्यादा पे देख रखी थी तो कुछ इस टाइप से आपको ये हील्स मिलने वाली है। इसकी अगेन हाइट 1.5 के अराउंड ही होने वाली है एंड इसका भी साइज मैंने 36 ही परचेज किया था एंड बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो कुशन दे रखा है वो भी अगेन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो आपको बहुत देर पहननी है ना अगर इस टाइप के फुटवेयर तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड इसका जो प्राइस है वो है आपके 736 रुपीज एंड नीचे आपको जो सोल मिलने वाला है सोल में भी आपको कुछ इस टाइप से लाइनिंग देखने को मिल जाएगी तो अगेन आपका फ्रिक्शन जो है मेंटेन रहेगा तो स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं हॉट पिंक कलर में आपको मिल जाएंगी एंड इस टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे पिंक कलर से अलग ही लेवल का ऑब्सेशन हो गया है तो कुछ इस टाइप से आपको ये फुटवेयर्स मिलने वाली है। सामने से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ लेदर वाला फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी डिटेलिंग देखने को, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख जाएगा। एंड इसकी जो हील दे रखी है वो भी आपकी ट्राइंगुलर फॉर्म में दे रखी है तो अगेन बहुत ज्यादा स्टर्डी है एंड काफी तो प्यारी लग रही है। इसका हील का पैटर्न आप देख सकते हैं। इसकी जो हील की हाइट होगी वो आपकी 2.5 के अराउंड होने वाली है एंड यहाँ पे आपको हल्का सा कुशन भी दे रखा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसे भी पहनने पर आप। एंड इसका जो साइज मैंने परचेज किया है वो है 36 तो कुछ इस टाइप का आपको ये मिल जाएगा देखने को, आप सामने से एक बार देख लीजिए एंड इसके जो भी प्राइस होंगे वो आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। उससे पहले कुछ कॉमन सी बात कर लेते हैं। एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो सभी लोग फेस करते हैं वो है आपकी एक्ने की एंड एक्ने तो हर किसी को होते ही है
क्योंकि क्या है कि आजकल डस्ट एंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है एंड एक्ने की प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है क्योंकि डस्ट है, पॉल्यूशन है, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है। तो इन सबको छुपाने के लिए कभी कभी हम मेकअप यूज कर लेते हैं, कभी कभी हम फिल्टर यूज करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि मैं भी, मेरी भी स्किन पे बहुत सारे एक्ने हुआ करते थे, तो मैं भी यही करती थी, फिल्टर यूज कर लिया। तो इस टाइप से मैं अपने एक्नेस को छुपाती थी। फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि एक्ने को कैसे कम कर सकते हैं, तो मुझे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले जिससे मुझे मालूम चला कि हाँ, इससे एक्ने कम हो। सो एक्ने को कम करने के लिए ही मैंने ये परचेज किया था न्यूट का रैपिड क्लियरेंस एक्ने ट्रीटमेंट सीरम। तो कुछ इस टाइप के ये पैकेजिंग में आता है एंड इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, वो सारे मैंने नेट पे सर्च किए थे पहले से ही। तो उसमें था कि ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो आपके एक्ने को रिड्यूस करने में काफी हद तक हेल्प करते हैं। तो इसमें पहला जो इंग्रेडिएंट था वो था सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड तो आप लोग भी अब जानते ही होंगे कि एक्ने की प्रॉब्लम को कितने हद तक कम करता है, लाइक एक्ने को रिड्यूस करता है, जो आपके अनक्लॉग पोर्स होते हैं उसे ओपन कर देता है एंड आपका अच्छा स्किन जो होती है, आपकी स्किन की क्वालिटी जो होती है वो भी काफी अच्छी हो जाती है इससे, एजिंग की प्रॉब्लम को कम करता है। दूसरा होता है आपका बैकुच ऑयल एंड जो बैकुच ऑयल होता है ना, वो आपका नेचुरल रेटिनॉल के फॉर्म में होता है एंड इसका क्या फायदा है, ये आपका एंटी एजिंग के लिए होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें आपको मिल जाती है एंड इसके साथ साथ आपको मिलता है नियासमाइड इसमें। तो नियासमाइड भी काफी अच्छा रहता है आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए, इसमें आपकी फाइन लाइन को रिड्यूस कर देता है, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी होती है इसमें एंड डिस्कलरेशन, जो स्किन में डिस्कलरेशन हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उसे भी काफी हद तक रिड्यूस करता है। तो एंड ये है क्या, ये है आपका सीरम एंड आप पैकेजिंग वाइज देख लीजिए, पैकेजिंग वाइज कितना ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है ये आपका। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तो आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप से ये सीरम, जो कि आपको अगेन डार्क कलर की बॉटल में मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइप के जो सीरम्स होते हैं वो डार्क कलर की बॉटल्स में ही होते हैं एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रॉपर। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसे ओपन करके, सो इसमें हमने कुछ इस टाइप से इस ड्रॉपर को अटैच करना है एंड इसे लगा देना है। तो इसे हम आराम से यूज कर सकते हैं, ड्रॉपर की फॉर्म में इसे आराम से हम ले सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी थिक नहीं है, बहुत ही आपका अच्छा है, आपकी जो ऑयली स्किन होती है उनके लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको नियासमाइड मिल जाता है, इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं एंड मैं खुद ही इसे डेली यूज करती हूँ एंड मुझे अपने एक्नेज में काफी फर्क देखने को मिला है। इवन आजकल तो मैं बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरी जो स्किन है काफी अच्छी हो गई है, पहले से इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है इसमें एंड। तो अगर आप लोग को भी ये परचेज करना है तो आप भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप डायरेक्टली परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस फुटवेयर एंड ये फुटवेयर मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, आपको मिल जाएगी कुछ इस टाइप से लेवेंडर कलर में देखने को, पहनने के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, आगे आपको ट्रांसपेरेंट स्टेप्स देखने को मिलेंगी, स्क्वायर फॉर्म में आपको ये मिलने वाली है। इसकी हील्स भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं इसकी हील जो दे रखी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड स्टडी क्वालिटी की है, तो कोई भी आपको दिक्कत भी नहीं होने वाली। यहाँ पे अगेन आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो फॉर्म से अच्छा ये आपका रहेगा कि आप इसे पहन के चल सकते हैं आराम से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड मीशो पे इतने अच्छे इतने प्यारे फुटवेयर्स मिल रहे हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में, तो और क्या ही चाहिए। एंड नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से लाइनिंग देखने को मिल जाएंगी सोल में, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्रिक्शन जो है मेंटेन रहेगा, स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं होंगी, तो बहुत ज्यादा ट्रेंडी लग रही है। इसका जो प्राइस है वो है 729 रुपीज। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. So last we are having these footwear. तो अब आप कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे एक्चुअली कि ये वाली फुटवेयर, इसका सेम कलर तो परचेज किया, फिर दोबारा से क्यों परचेज किया? तो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या, एक्चुअली इसी कलर में मैंने दूसरे वाले फुटवेयर ऑर्डर किए थे बट मुझे वो रिसीव नहीं हुए, उसकी जगह इनने ये भेज दिया है, सेम इसी का दूसरा कलर मेरे पास है ही। तो मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, सब कुछ सेम ही दे रखा है, क्वालिटी वालिटी जितनी भी है वो सब सेम दे रखी, कलर वाइज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसके जो भी प्राइस होंगे वो आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे एंड जो मैंने परचेज किया था उसका भी पिक मैं डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा मैंने परचेज किया था एंड मुझे क्या रिसीव हुआ है। Cause
सो गाइज, इसका मैं रिव्यू देना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रायोनी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड इसकी क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी थी। कलर आप देख सकते हैं, कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की ये लग रही थी, पहनने में एकदम मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के संग ये शेयर कर देती हूँ। इसके प्राइस जो है वो है 447। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, एक प्यार सा कमेंट करिएगा एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर भी करिएगा। और इनमें से अगर आपको कोई भी फुटवेयर पसंद आ रहा हो, परचेज करना हो, तो उसके लिए हमने आपको कोड्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।